नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं माधव शर्मा को जीवन राशि फल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वृश्चिक राशि के अक्टूबर माह के राशिफल के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने भी हमारा कुछ जीवन राशि फल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। कमेंट बॉक्स में अपने ईष्ट भगवान का नाम जरूर लिखें। वृश्चिक राशि के अक्टूबर माह के राशिफल से पहले हम जानते हैं कि आज कौन कौन से ग्रह इस अक्टूबर माह में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है तो उसका फल उसको अवश्य मिलता है। बुधदेव शुक्रदेव 2 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बुधदेव तुला राशि से वक्री अवस्था में जाकर एकादश भाव लाभ भाव में यानी कन्या राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। शुक्रदेव 2 अक्टूबर को तुला राशि से वृश्चिक राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। सूर्यदेव 16 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि कन्या राशि से तुला राशि में जाएंगे। साथ ही साथ मंगलदेव भी 22 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करके कन्या राशि से तुला राशि में संचरण करना शुरू करेंगे। आइए जानते हैं सबसे पहले क्या फल रहने वाला है। बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले राशि स्वामी की। तो यहाँ वृश्चिक राशि के लिए राशि स्वामी बनते हैं मंगलदेव। मंगलदेव का गोचर लाभ भाव में हो रहा है, तो यह गोचर एक शुभ गोचर माना जाएगा। यानी जिस भी स्थिति में जिस भी कार्य को आप यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे वहाँ लाभ मिलने की पूरी संभावना रहेंगी। यानी सक्सेस मिलने के लिए आपको यहाँ यह गोचर पूरा का पूरा सपोर्ट करने वाला है। आपकी राशि के ऊपर से केतु का गोचर हो रहा है। केतु का यह गोचर थोड़ा सा डिसीजन प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन सफलता यहाँ राशि स्वामी के कारण आपको मिलती अवश्य रहेगी। बात करते हैं यहाँ कार्यक्षेत्र की। अगर कार्यक्षेत्र की बात करें तो दशम भाव के स्वामी बनते हैं यहाँ सूर्यदेव। सूर्यदेव लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं माह के शुरुआत में, तो यह गोचर भी शुभ गोचर है। राशि स्वामी और दशम भाव के स्वामी दोनों का लाभ भाव में गोचर अत्यंत शुभ गोचर है। इस गोचर के फलस्वरूप आप अपने करियर के अंदर सफलता प्राप्त करेंगे। अगर यहाँ पर आप अपने जॉब चेंजेस करने की सोच रहे हैं तो वो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी, और आपकी करंट जॉब में भी आपको यहाँ पदोन्नति और इंक्रीमेंट्स भी मिल सकते हैं। तो यह गोचर आपको पूर्णतया सपोर्ट करने वाला रहेगा। सूर्यदेव 16 अक्टूबर को जब अपना राशि परिवर्तन कर कन्या राशि से तुला राशि यानी एकादश भाव से द्वादश भाव में जाएंगे, तो यहाँ आपको जो जॉब चेंज करने की आप सोच रहे थे वो घर से बाहर आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिलने की पूरी संभावना है। बात करते हैं यहाँ सप्तम भाव की यानी बिजनेस की। बिजनेस की अगर हम बात करें तो इसके स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव तुला राशि में यानी पहले से गोचर कर रहे हैं, उसके बाद शुक्रदेव वृश्चिक राशि में केतु के साथ आएंगे। तो बिजनेस को लेकर हम ये बात करें, यह स्थिति सुखद नहीं रहने वाली, क्योंकि बिजनेस के स्वामी का केतु के साथ में राहु केतु के एक्सेस में होना कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को परेशानी में प्रॉब्लम में देख सकता है, क्योंकि यहाँ पर केतु के साथ में शुक्र का गोचर आपको परेशान कर सकता है। साथ के साथ में मैं अगर बात करूँ तो सप्तम भाव में राहु का गोचर भी हो रहा है, तो अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मनमुटाव या परेशानी आ सकती है। बात करें धन भाव के स्वामी की, तो धन भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि हायर एजुकेशन के स्वामी भी हैं। देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में नीच राशि के होकर गोचर कर रहे हैं, तो धन को लेकर यह स्थिति सुखद नहीं रहने वाली। बात करें यहाँ हायर एजुकेशन की, तो हायर के अगर हम बात करें तो इसके स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर तृतीय भाव से यानी आपकी राशि से तृतीय स्थान से और नीच के होकर वक्री अवस्था में गोचर एजुकेशन को लेकर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। हालांकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो भी जब तक यहाँ तैयारी करेंगे, क्योंकि तो यहाँ छठे भाव के स्वामी मंगलदेव लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, उनके लिए 22 अक्टूबर तक का समय अत्यंत शुभ समय है। बात करें यहाँ पर हम हेल्थ की। अगर हम हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर मंगल का गोचर लाभ भाव में हो रहा है, उसके बाद 22 अक्टूबर को वे द्वादश भाव में गोचर करना शुरू करेंगे। तो 22 अक्टूबर के बाद में हेल्थ को लेकर थोड़ी सी परेशानी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। बात करें यहाँ भाग्य भाव की, तो भाग्य भाव पर गुरु और शनि दोनों की दृष्टि हो रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव तृतीय भाव में बैठकर नवम भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाग्य को लेकर इस समय आपका नवम भाव एक्टिवेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं भाग्य का सपोर्ट भी आपको यहाँ मिलने वाला है।
ओवरऑल अगर हम बात करें तो करियर के क्षेत्र में इंक्रीमेंट्स मिल सकते हैं, जॉब चेंजेस अच्छी जगह हो सकती है, डिसीजन प्रॉब्लम हो सकती है, बिजनेस में लेकर पार्टनरशिप में थोड़ी सी परेशानी संभव है, धन को लेकर भी परेशानी यहाँ हो सकती है। कोई भी नया कार्य अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।